अबुद्दीन साहब मरहूम अब स्वर्गीय हो गए, उनके परिवार का एमआईएम में पूरा स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया एमएम न्यूज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यकीनन दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को आप खुद सुने और अपने चाहने वालों को शेयर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आरजेडी के गद्दावर नेता मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थाम सकते हैं। दोस्तों मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल कराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश सदर जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब ने क्या कुछ कहा है, आगे वो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम खबरों पर पूरा विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जब से मरहूम शहाबुद्दीन साहब अल्लाह के प्यारे हुए हैं उसी वक्त से दोस्तों लालू यादव के परिवार मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार से दूरी बना लिया था। दोस्तों मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार भी गोपालगंज विधानसभा की उपचुनाव में आरजेडी से दूरी बनाए रखा था, जिसका नतीजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। इसी वजह से आरजेडी ने मरहूम शहाबुद्दीन साहब के फैमिली हिना साहब को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिन वीडियो में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश सदर जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल कराने के लिए क्या कहा। भाई हमने टाउन एंड फैमिली के लिए दरवाजा खुला रखा है या बंद रखा है ये बता दीजिए। मैम हिना साहब कोई डॉन नहीं है, हिना साहब कोई डॉन नहीं है, और ये एक तरह का बेइज्जती करना हुआ कि आप उनको परिवार को डॉन से बोला जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब मरहूम अब स्वर्गीय हो गए, उनके परिवार का एमआईएम में पूरा स्वागत है। डंके की चोट पे उनका इस्तकबाल करेंगे और हैदराबाद में उनका इस्तकबाल करेंगे, बिहार में उनका इस्तकबाल करेंगे और पूरे बिहार में उनको सम्मान दिलाने का एमआईएम काम करेंगे। यकीनन दोस्तों अगर शहाबुद्दीन साहब के परिवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाएगा तो आने वाला 2024 और 2025 की चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी को औकात बता देगा। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो आप अपने राय हमारे चैनल पर कमेंट के ज़रिए से रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।